देश से मॉनसून जाने के बीच अभी भी कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह आंधी तूफान की भी संभावना है। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां धूप और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आज और कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। राजस्थान में कल से 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, जो मध्य शोभा मंडल तक फैला हुआ है। इसका असर मौसम में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश से कई जिलों में तापमान नीचे चला गया है। कुछ जिलों में कल भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, फतेहपुर प्रमुख हैं। लखनऊ में 8 अक्टूबर को यानी कल हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते लखनऊ का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बिहार के किसी भी जिले में फिलहाल बारिश या बिजली गिरने का अलर्ट नहीं है। यहाँ मौसम सामान्य बना रहेगा। यहाँ के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।